हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं आज आपके स्पिरिट गाइड्स आपको आज क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के स्पिरिट गाइड्स आज उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है उनके लिए, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स प्लीज़। ओके, तो पहला पहला ही कार्ड देखिए आया है नटराज यानी कि महादेव शिव जी का। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपके अंदर की डर की एनर्जी को निकाला जा रहा है। ओके, आपको फियरलेस बनाया जा रहा है। आपके अंदर जो डर है ना किसी चीज़ को लेकर के, वो एक आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में कोई ऐसा डर है जो बैठा हुआ है काफ़ी लंबे समय से, ये पास्ट लाइफ का भी है। तो ये डर जो है ना, ये फियर की एनर्जी आपके अंदर से निकाली जा रही है और आपको एक प्लेफुल एनर्जी में लेकर आया जा रहा है। आपको ऐसी एनर्जी में लेकर आया जा रहा है कि आप हैप्पी रहे हमेशा ना, अपने आप को खुश रखने की एनर्जी में आपको लेकर आया जा रहा है। और उसी के साथ में यहाँ पे अगर जो व्यूअर्स यहाँ पे डांस में, म्यूजिक में है ना, किसी भी तरीके से इंटरेस्ट रखते हैं यहाँ पे, तो आपको ये गाइडेंस है कि आपको अपना, अगर ये आपका पैशन है तो ये आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर आप इसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पे इस पैशन को शुरू करें। ओके, क्योंकि आप ये जब शुरू करते हैं तो यह इसमें अगर आप इसको अपने प्रोफेशन की तरह भी अगर यूज़ करते हैं, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो इसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो यहाँ पे आपको ये करने की ज़रूरत है, अपने पैशन को फॉलो करने की ज़रूरत है। और इस कार्ड में देखिए यहाँ पे नटराज लॉर्ड ऑफ द डांस, तो ये लॉर्ड ऑफ द डांस का ही मतलब महादेव शिवा का कार्ड ये आया है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी अगर आप अपना पैशन फॉलो करते हैं। और उसके साथ में देखिए यहाँ पे गणेशा आए हैं, तो जब गणेशा आए हैं तो आप जो काम आप जब ये करना शुरू करेंगे तो उसमें निश्चित तौर पर आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ओके, आपको यहाँ आप अपना पैशन फॉलो करिए। आपके स्पिरिट गाइड्स इस कार्ड के थ्रू आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपना पैशन फॉलो कीजिए। आपका जो भी पैशन है ना, डांस है, म्यूज़िक है, ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपका कोई ऐसा पैशन है, कोई ऐसी हॉबी है जो आपकी रही हो, बचपन में रही हो है ना, जो आप करना चाहते थे लेकिन समय की कमी की वजह से या सिचुएशंस की वजह से अब आप नहीं कर रहे हैं, आप अवॉइड कर रहे हैं, उसको आप फॉलो करिए। ओके, और जब आप फॉलो करते हैं ना तो यहाँ पे आपको हीलिंग मिलेगी उससे, जब भी आप ऐसा शुरू करते हैं। और देखिए उससे के कार्ड के साथ में यहाँ पे गंगा माँ का कार्ड आया है। तो आपके यहाँ पे आप जिन जिन तक भी ये वीडियो पहुँच रहा है तो आप बहुत प्योर सोल है, डिवाइन सोल्स है यहाँ पे, और आप भक्ति के मार्ग पे बढ़ रहे हैं, भक्ति के पाथ पर आप चल रहे हैं। और आप जिस तरीके से चल रहे हैं, जिस डिवोशन के साथ आप चल रहे हैं भक्ति के मार्ग पर, आप नाम जप कर रहे हैं, ईश्वर को याद कर रहे हैं, अपने ईष्ट को याद कर रहे हैं, तो यहाँ और जो यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में है और वो नाम जप कर रहे हैं, तो जिन तक ये वीडियो पहुँच रहा है तो यहाँ पे आपकी सोल प्योरिफिकेशन चल रही है ना, आप साथ ही आपके पर्सन की भी सोल प्योरिफिकेशन चल रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों की एनर्जीज में चल रहा है। और उसके साथ में यहाँ पे आप उसके साथ में यहाँ पे ना आप की जो डिज़ायर्स है ना, मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों के प्रति जो डिज़ायर्स है, जो अटैचमेंट है ना आपका, वो ख़त्म किया जा रहा है। ओके, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये कहना चाहते हैं कि चीज़ों की इच्छाएं होना बुरा नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन अति किसी भी चीज़ की अति जो है ना वो नुकसानदायक होती है, वो हार्मफुल होती है, वो हमें डैमेज करती ही करती है हमारे माइंड बॉडी सोल को। क्योंकि इच्छा एक पूरी होती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरीके से इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं, है ना। तो अपनी उन इच्छाओं को आपको कंट्रोल करना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपनी स्पिरिचुअलिटी पे भी करना है। आपको मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड दोनों में बैलेंस बनाकर चलना है। ओके, और यही आपको आपके स्पिरिट गाइड्स सिखा रहे हैं। और उसके साथ में यहाँ पे देखिए जो ट्विन फ्लेम, डेफिनेटली ये वीडियो जिन तक पहुँच रहा है वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे नाम जप करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करने के लिए कहा जा रहा है। और अगर आप नाम जप ऑलरेडी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है। और जो व्यूअर्स नहीं कर रहे हैं तो उन्हें यहाँ पे करने की गाइडेंस है, जितना ज़्यादा हो सके उतना नाम जप कीजिए। ओके,
और अगर किसी की फिजिकल रेमेडी ओ सॉरी फिजिकल डिजीज है, कोई कोई ऐसी बीमारी से ग्रसित है काफी लंबे समय से, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। आपको स्पिरिकेट्स कहना चाहते हैं कि आप ट्रीटमेंट में आलस नहीं करें, अवॉइड नहीं करें। अगर आपको डॉक्टर की ज़रूरत है तो डॉक्टर के पास जाए भी, ओके। और उसके साथ में यहाँ पे देखिए गंगा माँ जो है इस क्रोकोडाइल पर बैठी हैं, तो इसका मतलब यही है कि आपके अंदर जो नकारात्मकता है ना, जो नेगेटिविटी है, उस पर आप विजय प्राप्त करेंगे। आपके अंदर जो मन में जो भी नकारात्मकता है, जो भी शैडो साइड है, जो इश्यूज हैं, वो यहाँ पे हील हो रहे हैं, ओके, गंगा माँ के आशीर्वाद से, आपके स्पिरिट गाइड्स के आशीर्वाद से। और जब वो हील हो रहे हैं तो यहाँ पे आपका ऑरा पॉजिटिव हो रहा है। आप देख रहे हैं गंगा माँ का कि चारों तरफ एक गोल्डन ऑरा मुझे दिख रहा है, यहाँ पे आपको भी दिख रहा होगा वाइपो, है ना। तो उस तरीके का ऑरा आपका यहाँ पे, इतना पॉजिटिव ऑरा आपका बन रहा है जब आप यहाँ पे नाम जप कर रहे हैं, ईश्वर से कनेक्शन अपना बना रहे हैं। और उसके साथ में जब आप ऐसा कर रहे हैं तो यहाँ पे आपकी लाइफ में ग्रोथ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, पीस ऑफ माइंड आपकी लाइफ में आ रहा है। और उसके साथ में जो व्यूअर्स यहाँ पे ऐसे हैं जो काफ़ी लंबे समय से किसी तीर्थ धाम पर जाना चाहते थे, प्लानिंग कर रहे थे बट नहीं जा पा रहे थे, तो आप बहुत जल्दी अब जिन जहाँ पर भी आप जाना चाहते थे, जिस भी तीर्थ स्थान पर आप जाना चाहते थे, वहाँ आप बहुत जल्दी जा पाएंगे। मुझे यहाँ पे इंट्यूशन केदारनाथ का आ रहा है, तो केदारनाथ जो भी व्यूअर्स जाना चाहते थे वो अब इस कार्ड के, तो आपके स्पिरिट गाइड्स कहना चाहते हैं कि आप बहुत जल्दी यहाँ पे केदारनाथ भी जा पाएंगे, ओके। देखते हैं और नेक्स्ट मैसेज क्या है। नेक्स्ट 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 मैसेज, श्री रामा, वाओ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। तो जब श्री रामा का कार्ड आया है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको सत्य के मार्ग को फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए कहा जा रहा है। और उसी के साथ में आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आप किसी से कोई कमिटमेंट करते हैं, है ना, ये किसी भी एरिया में हो सकता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, या किसी रिलेशनशिप में, यहाँ जहाँ पे भी आप किसी को कमिट करते हैं ना, तो उस कमिटमेंट को पूरा करने की भी आप करेज रखिए, स्ट्रेंथ रखिए, है ना। आप उस चीज़, अगर आप किसी को कमिट कर रहे हैं तो उस चीज़ से आपको भागना नहीं है, क्योंकि वो भी एक कर्मा क्रिएट कर देता है आपका, ओके। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका कोई कर्मा, नेगेटिव कर्मा क्रिएट ना हो, ओके। जो भी आप कहें सोच समझ कर कहें, और जो अगर आप किसी को कमिट कर रहे हैं तो उसे फुलफिल ज़रूर करें, ओके। और यहाँ पे आपकी लाइफ में अगर आप के पार्टनर के साथ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, मिस कम्युनिकेशन हुआ था, या कुछ आपका झगड़ा, आर्ग्यूमेंट, या इस तरीके से कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से आप डिस्टेंस, आपका आप दोनों के बीच में आइसोलेशन या सेपरेशन क्रिएट हो गया है, तो यहाँ पे अब आपके वो उस जो जिस वजह से वो सेपरेशन हुआ था वो वजह ही यहाँ पे ख़त्म हो रही है। और आपके आपके कनेक्शन में यहाँ पे एक बहुत ही पॉजिटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, पॉजिटिविटी आ रही है और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि आपके पर्सन के माइंड में भी क्लैरिटी आ रही है आपके लिए। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपके पर्सन के माइंड में इस कनेक्शन के लिए क्लैरिटी आ रही है, उन्हें समझ में आ रहा है, ट्विन फ्लेम जर्नी समझ में आ रही है, इस कनेक्शन को वो नॉर्मल कनेक्शन नहीं समझ रहे हैं, ओके। जो लाइटली उन्होंने अभी तक लिया वो लाइटली अब नहीं लेंगे, ओके। ये इंट्यूशन मुझे आज इस कार्ड के थ्रू आ रहा है। और साथ में आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपका जब आप नाम जप करते हैं, नाम जप ईश्वर से कनेक्शन बनाते हैं, अपने ईष्ट से कनेक्शन बनाते हैं, अपने गुरुदेव से कनेक्शन बनाते हैं, अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, अपने पूर्वजों को प्रणाम करते हैं, है ना। तो और साथ ही साथ अपने आप जिन सभी कुछ ना कुछ सीखते हैं तो उनको यहाँ पे प्रणाम करना है, उनको उनको धन्यवाद देना है, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहना है। और जितना आप इस तरीके से करते हैं ना, तो उस जब आप ऐसा करते हैं तो आपका नेम फेम, आपका सोशल स्टेटस बढ़ता है। वो कैसे बढ़ता है, क्योंकि जब आप नाम जप करते हैं ना तो आपका ऑरा पॉजिटिव होने लगता है, आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं, आपके माइंड में जो नेगेटिविटी है ना वो क्लियर होने लगती है। और जब नेगेटिविटी क्लियर होने लगती है तो यहाँ पे आपको आप अपना इंट्यूशन क्लियर सुन पाते हैं, ईश्वर का जो ईश्वर की जो आवाज़ है ना जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं वो आप नहीं सुन पा रहे हैं इस वक्त, है ना। तो उसकी वजह यही है कि आप नाम जप जो है वो ध्यान से नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ कर रहे हैं, माला लेके बैठ रहे हैं, लेकिन आपको एक मैं हमेशा कहती हूँ जब एक ही माला करें लेकिन ध्यान से करें, आपका पूरा फोकस उस माला पर ही हो,
ना स्टार्टिंग में होगा ऐसा कि आपका माइंड इधर उधर भटकेगा, दस दस बातें आपके माइंड में आएंगी उस वक्त, लेकिन प्रैक्टिस करिए डेली, आप नियम से आप करिए इस चीज़ को, है ना, फॉलो करिए उस चीज़ को, और जब आप ऐसा करते हैं तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आप बिल्कुल डिवाइन सोल से स्पिरिचुअल पाथ पर हैं यहाँ पे, आपको उसमें निश्चित तौर पर सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ओके, और साथ में यहाँ पे आप जिस तरीके से श्री राम जी ने रावण पर विजय प्राप्त की थी, है ना, मतलब नकारात्मक एनर्जी पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी, वैसी ही विजय आप प्राप्त करने वाले हैं, वैसे ही विक्ट्री आपको मिलने वाली है। यस, आपको विक्ट्री मिलने वाली है। आप जिस भी फेज में आप अपनी जर्नी में हैं, आप अपने कनेक्शन के लिए देख रहे हैं, जिस भी पर्पस से वीडियो में आए हैं यहाँ पे आप, तो आपको विक्ट्री मिलने वाली है, आपको जस्टिस मिलने वाला है यहाँ पे। वाओ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और उसके साथ में यहाँ पे आपकी कोई विश थी लग्जरियस लाइफ जीने की कुछ व्यूअर्स की, तो यहाँ पे वो भी आपकी विश फुलफिल हो रही है, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान ज़्यादा देना है। जो भी आपकी मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स हैं वो तो ईश्वर फुलफिल कर ही रहे हैं और आगे भी करते ही रहेंगे, जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो ज़रूर पूरी होंगी, लेकिन उसके साथ में आपको धर्म का मार्ग फॉलो करना है, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को फॉलो करना है। ओके, वाओ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज बहुत लंबे टाइम बाद आज श्री राम जी का कार्ड आया है, साथ में गंगा माँ का कार्ड आया है और साथ में शिव जी का कार्ड आया है, तो देखिए आप कितनी पॉजिटिव एनर्जीज हैं आज स्पिरिट गाइड्स की, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट देखते हैं व्यूअर्स, नेक्स्ट क्या मैसेज है आपके लिए। नेक्स्ट मैसेज है चंद्र देवता। अगेन देखिए यहाँ पे गंगा माँ के साथ में यहाँ पे दूसरा कार्ड आया है मून ऑफ गॉड यानी चंद्र देवता। तो यहाँ पे आपका प्योरिफिकेशन डेफिनेटली चल रहा है, आपका सोल प्योरिफिकेशन चल रहा है। आप अगर किसी मानसिक स्थिति, आपकी मानसिक स्थिति जो इस वक्त काफ़ी लंबे समय से नहीं ठीक चल रही थी, किसी भी वजह से हो सकती है ना, कोई ऐसा पेन था आपके अंदर जो आप बहुत लंबे समय से लेकर चल रहे थे और उससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे, उस पेन से आप सब निकल नहीं पा रहे थे, तो यहाँ पे उस पेन से आपको निकाला जा रहा है। ओके, उस पेन से आप अपने मानसिक स्थिति को खुद कंट्रोल में कर पा रहे हैं। कंट्रोल मतलब आपको समझ में आ रहा है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना आ रहा है आपको अभी। ओके, और भी बस यहाँ पे अगर आप चक्रा मेडिटेशन करेंगे तो अच्छा रहेगा, चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो यहाँ पे आप चक्रा मेडिटेशन का इंट्यूशन मुझे आ रहा है, गाइडेंस यही देने के लिए बोला जा रहा है मुझे कि आप चक्रा मेडिटेशन कीजिए, खासकर आपके हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा पर यहाँ पे काम करना है आपको। और उसी के साथ यहाँ पे जिन व्यूअर्स का मनी ब्लॉकेज है, मनी से रिलेटेड, अबंडेंस से रिलेटेड कोई इशू है, तो उसके लिए आप रूट चक्रा पर काम कीजिए। ओके, अपने रूट चक्रा पर आप काम कीजिए। ओके, काम कीजिए मतलब उस पर मेडिटेट कीजिए, उसका जो बीज मंत्र है रूट चक्रा के, चक्रास के जो बीज मंत्र है वो आपको वीडियोस यूट्यूब पे मिली जाएंगे, तो वो आप करिए एटलीस्ट डेली 5 मिनट्स करिए, है ना, हर चक्रा पर 3-5 मिनट्स डेली करिए हर, तो इस तरीके से आप अपनी एनर्जीज को जब बैलेंस करते हैं तो चक्रास आपके बैलेंस होते हैं। ओके, साथ ही यहाँ पे यस डेफिनेटली कुछ व्यूअर्स की मेंटल इलनेस थी, जो एंजाइटी थी ना, जो डिप्रेशन जैसी फीलिंग थी, वो यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स कहना चाहते हैं कि वो जल्दी ही ठीक होगी, लेकिन उसके लिए आपको खुद को भी स्ट्रांग बनाना होगा, खुद पर काम करना होगा, मेडिटेशन कीजिए, चक्रा मेडिटेशन कीजिए यहाँ पे। ओके, और जल्दी आप इस चीज़ से बाहर निकल पाएंगे। एक लास्ट मैसेज देखते हैं व्यूअर्स, नेक्स्ट लास्ट मैसेज लक्ष्मी माँ। वाओ, देखिए यहाँ पे श्री राम जी आए हैं, शिव जी आए हैं, गंगा माँ और चंद्र देवता और साथ में लक्ष्मी माँ। और व्यूअर्स, जब आप अपने ऊपर अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना सीख लेते हैं ना, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। जब अपने चक्रास पर काम करते हैं तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, लक्ष्मी माँ की कृपा हो रही है, अपर बहुत अपार कृपा अपर होने वाली है लक्ष्मी माँ की। ये मनी वाइज तो होगी ही होगी, लेकिन साथ में यहाँ पे आपका सोशल स्टेटस भी बढ़ेगा। ये नेक्स्ट दो कार्ड्स में ये मैसेज आया है कि आपका सोशल स्टेटस यहाँ पे बढ़ने वाला है, आपका नेम फेम बढ़ने वाला है,
आपकी पहचान लोगों तक पहुंचने वाली है। आप जो एफर्ट्स डाल रहे हैं जिस भी एरिया में, जिस भी, अगर आप किसी पर्सन के लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं तो वो एफर्ट्स यहाँ पे रिकॉग्नाइज हो रहे हैं और उस वो एफर्ट्स आपके वेस्ट नहीं जाएंगे। ये आपको आपके स्पिरिट गाइड्स मैसेज देना चाहते हैं। और आपके करियर में अगर आपको काफ़ी लंबे समय से कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला था, कोई प्रमोशन नहीं मिला था, तो यहाँ पे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी ग्रोथ आ रही है यहाँ। और उसके साथ आपकी वेल्थ तो इंक्रीज़ हो ही रही है, साथ में आपकी हेल्थ भी, यहाँ पे हेल्थ में भी आपके सुधार होगा। अगर आपको कोई किसी बीमारी से आप लंबे समय से जूझ रहे थे, परेशान थे, तो वो भी यहाँ पे ठीक हो रही है। और साथ में यहाँ पे अगर आप किसी मैरिज से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम था, आप पर्सन आपको आपके आपके जीवन में कोई ऐसे पर्सन है जिनसे आप मैरिज करना चाहते थे, उनसे आपकी मैरिज हो रही है यहाँ पे। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आपकी काउंटर पार्ट से यहाँ पे यूनियन हो रहा है। बहुत जल्दी आपका यूनियन नज़दीक है आपका। इस कार्ड के थ्रू आपको मैसेज यही देना चाहते हैं कि आपका बहुत जल्दी यूनियन नज़दीक है और आपको अप्रिसिएशन मिलने वाला है, आपको रिकॉग्निशन मिलने वाला है। और यहाँ पे जो आप पे कपल देख रहे हैं, एक स्क्विरल का कपल है, एक स्वान का कपल है, यहाँ पे दो स्वान के कपल हैं, तो डेफिनेटली यूनियन आने वाला है। आप सेपरेशन में हैं इस वक्त, तो ये सेपरेशन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। और उसके साथ में आपके लिए एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन यहाँ पे आने वाला है, आपकी पर्सन की तरफ से एक पॉजिटिव जेस्चर आपकी पर्सन की तरफ से आएगा यहाँ पे। आप मैं डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज भी फील कर पा रही हूँ, तो डेफिनेटली जिन व्यूअर्स तक पहुँच रहा है उनमें डिवाइन फेमिनाइंस भी है। आपने अपने ऊपर जो काम किया है ना, आपने अपने सेल्फ वर्थ को पहचाना, अपनी ग्रोथ पर जो काम किया, अपनी अबंडेंस पर आपने फोकस किया है, तो आपके पर्सन इन एनर्जीज में आ रहे हैं और आप बिल्कुल सही पाथ पर हैं। डिवाइन फेमिनाइंस आप बिल्कुल ऐसे ही करते रहिए, और जो मैं कह रही हूँ तो मैंने 333 देखा है अभी, आप बिल्कुल सही पाथ पर हैं। आप अपनी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, अपने आप पर फोकस कीजिए, तो आपके पर्सन आप तक आएंगे ही आएंगे, है ना। और जो आपका है उसे तो कोई छीन नहीं सकता है, ये तो सभी जानते हैं, तो समझ लीजिए कॉपीराइट होता है आपका, है ना, आपके काउंटर पार्ट पर, क्योंकि आपकी हाफ सोल है वो और आप उनकी हाफ सोल हैं, तो यूनियन तो होना ही होना है, निश्चित तौर पर होना है। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आज आपके स्पिरिट गाइड्स की बहुत ही पॉजिटिव, बहुत अमेजिंग और मोटिवेशनल तो है ही साथ में, लेकिन ब्लेसिंग्स देखिए कितनी ब्लेसिंग्स है यहाँ पे। श्री राम जी के साथ में लक्ष्मी माँ आई हैं, उसके साथ में यहाँ पे शिव जी नटराज के रूप में, साथ में गणेशा आए हैं, और उसके बाद यहाँ पे गंगा माँ आई हैं, है ना, और उसके साथ में यहाँ पे चंद्र देवता आए हैं। तो इतनी सारी ब्लेसिंग्स आज स्पिरिट गाइड्स आपको दे रहे हैं, तो थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो व्यूअर्स, ये थी आज आपके लिए बहुत ही प्यारी सी रीडिंग आपके स्पिरिट गाइड्स की, बहुत पॉजिटिव मैसेजेस के साथ। और जो मैं कह रही हूँ तो मैंने 444 देखा है, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स। आई होप आपको फ्रेंड्स रीडिंग अच्छी लगी हो, तो लाइक रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में ऐसी ही बहुत प्यारी सी ब्लेसिंग्स के साथ, मोटिवेशनल गाइडेंस के साथ यहाँ पे। तब तक आप अपना इसी तरीके से ध्यान रखिए, गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिए जो वीडियो के दौरान आपके स्पिरिट गाइड्स आपको देते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। गॉड ब्लेस यू, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माँ काली।